Hi guys, welcome back to my channel. स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे. सो आज कोई व्लॉग नहीं है बट अभी हैलोवीन बहुत चल रहा है. सो व्हाई नॉट वी शुड ट्राई दैट. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हैलोवीन लुक. सो इट इज गोइंग टू बी अ बेसिकली गेट रेडी विथ मी फॉर अ हैलोवीन. तो आज हम लोग बहुत ही फैंटेसी मेकअप लुक क्रिएट करेंगे. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सम डरावना काइंड ऑफ लुक. आई एम प्लानिंग टू डू सम ग्लैम हैलोवीन लुक. तो let's just dig into the video, and if you are interested in watching my video then please take a moment and subscribe to my channel for more such video. Thank you. Hello. हाँ पार्सल है ना. है हाँ भैया, आप पहुँच गए हो क्या? बस पहुँच रहे मैडम, दो मिनट पहुँच जा रहे हैं, सत्यभामा से निकल रहे हैं. ठीक है आप पहुँचिए. आप पहुँच के मेरे को कॉल करिए. ओके ठीक. गॉड, लाइक जब भी मैं मेकअप करने बैठू या फिर मैं ऐसा कुछ लुक क्रिएट कर रही होती हूँ ना, तब भी डिलीवरी बॉय को पहुंचना होता है. क्यों? मूविंग ऑन. सो हियर आई एम यूजिंग रिकॉर्ड का ग्लो मिस्ट. बहुत ही अच्छा टोनर है, मतलब मिस्ट है. मेरा पार्सल भी आ गया, ये मैं फिर कभी आप सभी को दिखाऊंगी. टिल देन मूविंग ऑन. सो आई एम हैविंग कम्प्लीटली ऑयली स्किन एंड आई एम ऑब्सेस्ड यूजिंग जेल मॉइस्चराइजर. ऑयली स्किन वालों के लिए जेल मॉइस्चराइजर इज बेस्ट. सो आई प्रेफर यूजिंग दिस. सो हियर आई एम अप्लाइंग लेंस. ग्रीन लेंस में पहली बार ट्राई कर रही हूँ. लेट्स सी. सो लेट्स सी ग्रीन लेंस कैसा दिखता है. ओह माय गॉड, ये कितना डरावना लग रहा है. ओके दूसरा लगाते. गॉड गाइस, बहुत अच्छा तो लग रहा है बट ओके आई एम प्रोसेसिंग, क्योंकि ग्रीन लेंस मैंने पहली बार ट्राई किया है. अच्छा लग रहा है अब. सो बेस मुझे स्मूथ चाहिए, स्मूथ लाइक कैनवस. तो उसके लिए आई एम गोना यूज क्रायलॉन का सुप्रा टू जस्ट करेक्ट माई पिम्पल रेडनेस जो मेरे गालों पर दिख रहा है लाल लाल. मुझे थोड़ा सा डिस्कलरेशन फॉरहेड पे भी है, सो थोड़ा सा मैं इधर भी लगा लेती हूँ. इसको कंप्लीटली ब्लेंड नहीं कर रही हूँ मैं. मैं इसे ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही हल्का हल्का डैब कर रही हूँ, पूरा कम्प्लीटली ब्लेंड ऑफ नहीं कर दे रही हूँ, सो दैट कि इवन लगे. आपको मेकअप रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फिर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सबसे बड़ी गलती मैंने ऑलरेडी कर दी है. मेरे पार्सल के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे प्राइमर लगाना था, बट कोई नहीं, हमेशा ये गलती तो नहीं चलेगी डेफिनेटली, बट अभी के लिए काम चला लेते हैं. सो फॉर फाउंडेशन हियर आई एम यूजिंग रिकॉर्ड एंड एल्फ. ये दोनों फाउंडेशन मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्यूई थोड़ा सा थिक मेकअप बेस मिल जाए. रिकॉर्ड इज योर थिक फाउंडेशन एंड एल्फ इज योर कम्प्लीटली ड्यूई फाउंडेशन. तो मैं इन दोनों को मिला के अपना शेड बनाऊंगी. देख रहे हो ना, बहुत ही ड्यूई सा लुक आ रहा है. So if you are interested in makeup or something related makeup, then you can also follow me on my Instagram. You have that fake accent. You can also follow me on my Insta, which I'll mention you in my description box. वहाँ से आप लोग देख लेना to get my daily update, my makeup update, my clientele update. You can get everything there. तो वहां पर मुझे फॉलो कर लेना. सो फॉर कंसीलर हियर आई एम यूजिंग लॉरियल का कंसीलर, नॉट फॉर कंसीलिंग एग्जैक्टली. मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए अपने हाई पॉइंट्स पे, सो फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस कंसीलर. दिस पर्टिकुलर कंसीलर बहुत ही अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है, यू कैन गो विद दिस. अभी मेरा बेस कुछ ज्यादा ही फेयर दिख रहा है, बट ये थोड़े टाइम के बाद ना जैसे मैं कॉन्ट्रोल करूंगी ब्लश करूंगी तब तक ये थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा. सो
क्योंकि हर फाउंडेशन बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है एंड मैं यहाँ पर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ. इसके पीछे भी लॉजिक है. फॉर दैट यू हैव टू फॉलो माई पेज. जल्दी फॉलो कर लेना. सो या आई हैव ब्लेंडेड इनफ. सो या हंस रहोगे ना बहुत. कोई भूत लग रही हूँ. रुक जाओ, अभी असली में भूत बन रही हूँ. मैं बहुत ही डार्क शेड ले रही हूँ अपने कॉन्ट्रोल पैलेट का. ये वाला दिख रहा है क्या मेरा कॉन्ट्रोल? तब तक आप यहाँ का देखो. इट्स टाइम फॉर ब्लश. मुझे आज अपना बेस बहुत अच्छा लग रहा है. डब्बे में रखा हुआ है. 1 किलो खा दो. सो मैंने अपना आईब्रो भी थोड़ा बहुत ऑफ कैमरा कर लिया था क्योंकि वही हिसाब हो जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला. आईब्रो इज फेवरेट पार्ट ऑफ माय इन मेकअप. दिस हैव टू बी परफेक्ट. तो आईज के लिए ना आई थिंक आई एम गोइंग विद सेमी कट क्रीज विद अ ब्राउन शेड फॉर माय बेस. तो सही सेटअप नहीं होने की वजह से आई एम गेटिंग टू मच डिफिकल्टीज. तो इसके लिए भी उपाय है. लेट्स डू द ट्रांजिशन. दिस इज व्हाट माय आई बेस लुकिंग लाइक. वेरी ब्यूटीफुल. आई हैव कंप्लीटेड माय लाइनर एंड ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है. लाइक It's on the point. What do you guys think? Let me know in the comment section below. Lekin mujhe to bahut acha lag raha hai. Line my lips here. I'm using Sis Beauty ka lip liner. It's very smooth. For lipstick, I'm using NY Bay ka mini lipstick. Bahut hi purana lipstick hai ye. Here I'm topping up with this beautiful metallic lipstick. So now it's time for face art. तो पहले मैं यहाँ draw करूँगी. So I think I just made justice to this look. But still, जो end में result आएगा, वो matter करता है. So let's see. मैं जितना बात कर रही हूँ, उतना यहाँ का mid रहा है. So I'm not going to talk. Sorry. Take that. Call it payback.